नमस्कार। परम श्रद्धे गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन। मंचासी न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक जी, पुस्तक के लेखक मेरे मित्र हेमंत शर्मा जी और पुस्तक के प्रकाशक और मेरे वर्षों से मित्र प्रभात जी, सभागार में उपस्थित पूज्य शरण संत वृंद, सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, सबको राम राम। राम राम। राम राम ये शुभ है, ये मंगल है। राम राम यह भारत में योगक्षेम है, हृदय की नम्रता है और मन के संवेदना है। राम राम यह प्रेरणा है, यह जीवन के लिए प्रकाश है। राम राम यह विश्वास है, यह अभय है। राम राम जीवन के प्रारंभ है, राम राम जीवन के अंत है। मित्रों, मैं सोच रहा था भीम के नाम के भवन में श्याम जी के गीता के प्रचार करने वाले संत के सान्निध्य में राम के पुस्तक का विमोचन है। पुस्तक के बारे में यहां कहा गया है, हेमंत जी अयोध्या के बारे में दो पुस्तकें अब तक प्रकाशित किए हैं, उन्होंने लेखन किया है। उस समय तो ये बात उन्होंने शायद नहीं बताई थी, कोई रात के नींद में आकर आपको लिखने के लिए कहा है, शायद कहा होगा तो मुझे याद नहीं है। अब ये तीसरी पुस्तक अयोध्या और राम पर है, तो ट्रिलॉजी है आपके राम और अयोध्या पर। पहले हेमंत जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जैसे आपने कहा इसमें अपनी बात में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं वंदे भारत के स्पीड से गति से इस पुस्तक को मैंने लिखा है। तो इस पुस्तक के लिखने के लिए मंच पर दो छोर पर बैठे हुए महानुभावों ने प्रेरणा दी है, आलोक जी और प्रभात जी। आलोक जी ने जैसे दूसरे पुस्तक के बारे में भी आपने उल्लेख किया, हेमंत जी को उन्होंने कहा कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए। तो प्रभात जी तो तैयारी बैठे रहते हैं, पुस्तक आए तो मैं छापूं और उसके प्रकाशन करूं। और प्रभात जी ऐसे प्रकाशक है, इस प्रकार के पुस्तक से मुझे कमर्शियल लाभ क्या है ये एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं, और ये राम जी के काज है ऐसे ही आप सोचते हैं। सारा परिवार इस प्रकार के राष्ट्रीयता से जुड़े इस सरस्वती के आराधना में वो जुटे हैं, इसलिए राम जी की कृपा इन सभी पर सदैव रहे, यही मैं आप सबकी ओर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। पुस्तक बहुत सारे आई हैं, आने वाले भी हैं। अभी मैं ही जानता हूं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ में, मैं अभी पिछले दिनों बेंगलुरु गया था तो हमारे कार्यकर्ता ने इसी स्वर्णिम अवसर जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पुष्य मास के शुक्ल पक्ष के द्वादश के दिन होने वाले हैं, जिसको 22 जनवरी कहते हैं, तो उस दिन होने वाले हैं, इसी को निमित्त बनाकर एक कन्नड़ पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है। एक मराठी पुस्तक पिछले दिनों
तो उसके शुभकामना शुभ संदेश देने के लिए मेरे पास विषय आया था। तो जो आंदोलन में सक्रिय रहे ऐसे चार बंधुओं ने अयोध्या में जाकर अयोध्या के सारे इतिहास, आंदोलन के इतिहास, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने राम अयोध्या चे केंद्र विश्व चैतन्याचे इस प्रकार के एक शीर्षक के पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किए हैं, जिसको पूजनीय सरसंग चालक जी के द्वारा लोकार्पण हुआ जिसका। तो ऐसे पुस्तकें ग्रंथ भारत के हर भाषा में इस वर्ष अगले वर्ष आने वाली है। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूंगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। तो मैं कल रात को थोड़ा सा इस पुस्तक को 12 बजे 1 बजे के समय इसको पलट रहा था। जैसे आपने कहा, एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है, लेकिन आज दिन भर में कार्यक्रम है तो मैं थोड़ा सा सो जाऊं ऐसे सोचकर जबरदस्ती पुस्तक को मैंने किनारे कर दिया। लेकिन इसमें दो तीन अध्याय मैंने पढ़ लिए रात को। पहली बात ये जो दर्ज हुआ इसमें, जिसके न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी ने उल्लेख किया, वो है सर्वप्रथम इस सारे आंदोलन के संदर्भ में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ 28 नवंबर 1858 को, निहंग फकीर सिंह खालसा, इनके परिचय देते हुए जैसे अभी उल्लेख हुआ, उन्होंने चबूतरा उसको हटाने के लिए प्रयत्न किया तो वो हटे नहीं, वहीं बैठे रहे, चबूतरा के भी विस्तार करते रहे। और अंतिम वाक्य इस परिचय में हेमंत जी लिखते हैं, इससे इतना तो पता चलता है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पहली लड़ाई एक सिख ने लड़ी और जिस पर इस कार्य के लिए पहला आपराधिक मुकदमा भी चला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह एक वाक्य हिंदुस्तान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बात को यहां इंगित करते। जिस चीज के लेकर आज लड़ाई चलती है, कुछ लोगों ने अनावश्यक इतिहास के सत्य को दबाकर अपने ही नैरेटिव चलाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस एक वाक्य से एक बड़ा उत्तर मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है। भारत के यहां के समाज ने कभी राम जन्मभूमि पर अपनी श्रद्धा को, अपने अधिकार को कभी नहीं भूले, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। हर पीढ़ी में इसके लिए आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है। हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है, ठीक है, रक्त ना बहे ये सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता,
राम नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म, यही यहां के मिट्टी का विचार है। परंतु धर्म की स्थापना सृजन के भी कई बार प्रक्रिया में ऐसी हिंसा हो जाती है, तो वह इतिहास है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे हिंसा के बिना भी हो, यह सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे, उस मार्ग पर चले, यही राम सत्व है, राम तत्व है। संघर्ष हुआ, कई बार लगता है कि आंदोलन ये मजबूरी थी, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद ये नियति थी। इस आंदोलन के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण हुआ। आंदोलन की विविध कल्पनाएं मूर्तिमंत हो गए, देश भर के अंदर एक प्रचंड धर्म के राम के एक वातावरण का निर्माण हुआ। कभी कभी शायद यह नियति के नियम है जो स्वाभाविक रूप से शांति के रूप से होने वाले कार्य को भी ऐसे करने के लिए कुछ योजना बनती होगी। यदि हम सोचें रावण सीता मैया को उठा के लेके तो गए, यदि विभीषण कहने पर अंगद और हनुमान जी लंका के विजिट करने के बाद रावण के हृदय परिवर्तन होकर वो सीता मैया को लौटाते, रामायण के कहानी में बहुत सारे आज जो कहते हैं वो वहां तक राम जी पहुंचते नहीं थे और बहुत सारे विषय नहीं होते। वानर के प्रचंड शक्ति के उस संगठन के ये सारे नहीं होता। शायद नियति यही चाहती थी कि लोक के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए किया हो। शांति के लिए संवाद के द्वारा राम जन्मभूमि को लौटाने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार प्रयत्न हुए। अंततो गत्व आप जिसको ध्वंस कहते हो, ऐसे वह ढांचे का वहां हटाने के लिए हिंदू समाज के लोग मजबूर हो गए होंगे। तो सारे आंदोलन देश के अंदर एक एकात्मता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इतिहास के प्रति हमारी श्रद्धा के, राम के प्रति हमारे आस्था के पुनर्जागरण करने का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ हमारे राष्ट्र के इतिहास के अध्याय में यह राम जन्मभूमि में आंदोलन, यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की परिणति यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले महीने में होने वाली उस दिन पर यह अपने परिणति पर पहुंचकर हम सबके जीवन के एक स्वर्णिम क्षण बनेगा। इस इतिहास के साक्षी हम बनेंगे, और क्या चाहिए जीवन में। अयोध्या केवल एक शहर ही नहीं है, राम एक कल्पना नहीं है, राम इतिहास है, राम वर्तमान है, राम मानवता के भविष्य होना चाहिए और होंगे भी। राम धर्म के मूर्तिमान है,
हेमंत जी लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म की मूर्ति नहीं है, विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में जो अंतर है उसको हेमंत जी इंगित करते हैं। मूर्ति कोई एक पुतला है, उसमें प्राण नहीं है। विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है उसकी। मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है। इस भेद को हेमंत जी ने यहाँ जिक्र किया है। राम स्वयं धर्म है, राम राष्ट्र है। वाल्मीकि जी अपने रामायण में यह लिखते हैं, जहां राम है वो वन भी हो तो राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो जन भी है तो वो वन है। राम और राष्ट्र भारत के संदर्भ में ये विभक्त नहीं है, अविभक्त है। ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो इसलिए राम, हेमंत जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, शरीरधारी धर्म है। राम धर्म के मूर्तिमान है, धर्म के आचरण किए, धर्म के मार्ग प्रशस्त किए। राम अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। जहां जहां जीवन के सर्वोच्च उत्तम उत्तमोत्तम मूल्य है वो सब राम है। इसलिए मंगल कर जो है, शुभ कर जो है, मानव हितकारी जो है, सृष्टि के संरक्षक जो भी बात है वो सब राम है। यह भारत की, भारतीय जनता के, यहाँ के समाज की यह मान्यता है। इसलिए राम मंदिर और एक मंदिर नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर टूरिज्म के जगह अयोध्या बनने के लिए बनाए नहीं है। अपने देश में टूरिज्म और पिलग्रिमेज, पर्यटन और तीर्थाटन, ये दो अलग अलग हैं। राम जी और अयोध्या, अयोध्या जी और राम जी, ये दोनों अविनाभाव हैं। इनके संबंध कुछ समय पूर्व माननीय रामबहादुर राय जी की प्रेरणा से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में अयोध्या पर्व ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में एक वक्ता के नाते मैं भी उद्घाटन में गया था। मैं जो बात वहां मैंने बताई थी उसी का मैं यहाँ पुनः एक बार कहना चाहता हूं। भारत में मुगल काल से या उससे भी पहले दिल्ली का वर्चस्व बढ़ता गया। दिल्ली के प्रभाव भारत में जो है वह क्या कर दिया, इसलिए दिल्ली पर और राष्ट्र पर अयोध्या के वर्चस्व होना चाहिए। अयोध्या यानी राम, अयोध्या यानी लोकतंत्र, अयोध्या यानी त्याग। सारे राम जी के जीवन भारत के जीवन दर्शन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रतीक हैं। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके, अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है, ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं,
संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं। अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसके भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में, क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। तो राम जी फिर लौटेंगे, राम जी अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास में रहे, रामलला सदियों से अपने जगह से बहुत ही वैभवहीन स्थिति में संघर्ष के कारण बनकर, विवाद के केंद्र बनकर, परंतु विश्व भर में जो राम भक्त है उनके लिए तो सदैव प्रेरणा के केंद्र बनकर वो वहाँ एक छोटे से इसमें पिछले कई वर्षों से जो रामलला विराजमान तो थे लेकिन किस स्थिति में थे देखने वालों को तो मालूम है। अभी राम जी जैसे हमने आंदोलन में सदियों बार सैकड़ों बार हमने नारे लगाए, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाए, तो मंदिर अभी बन गया है, उसका पहला चरण संपूर्ण हो गया। उस मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा, लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हृदय मन को आंखों को शांति देने वाले, आनंद देने वाले ऐसे एक क्षण आ रहा है। उस समय ऐसे एक पुस्तक, ऐसे एक ग्रंथ, इसकी आवश्यकता। इसमें 8 अध्यायों में राम मंदिर के एक संक्षिप्त इतिहास, राम और अयोध्या के संक्षिप्त इतिहास, आंदोलन के बारे में इतिहास, आंदोलन के महानायकों के बारे में कुछ परिचय, इन सारे विषयों को 8 अध्यायों में इतने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हेमंत जी ने बहुत ही सार्थक ढंग से, इसकी भाषा अद्भुत है, इतने कम एक ग्रंथ के अंदर लोगों को सारे बताने का प्रयत्न उन्होंने जिस प्रकार किया है वह प्रशंसनीय है। मैं हेमंत जी के इस लेखन सामर्थ्य के प्रति न केवल अभिनंदन करता हूँ, उसको वंदन करता हूँ। मित्रों, इस प्रकार की पुस्तकें हमारे अगली पीढ़ी के अपने परिवारों में, आसपास में, रिश्तेदारों में, हमारे अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, हम कैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हम कैसे जी कर रहे हैं, क्या हुआ, इसके बारे में संक्षेप में भी क्यों ना हो इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने आलोक जी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने भी जो विषय रखा है आपके सम्मुख भी, उसका भी और एक बार निवेदन करता हूँ। सारे राम जन्मभूमि आंदोलन के जो इतिहास है, कुछ खंड होंगे, वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन इन सारे विषयों को ग्रंथ के रूप में लाना आगामी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक है, इस देश के इतिहास को समझने वाले लोगों के लिए ऐसे एक प्रमाणीकृत ग्रंथों के राशि, वॉल्यूम्स, वो आने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल इस प्रकार के एक विस्तृत आंदोलन के इतिहास, इसमें संक्षेप में आया ही है लेकिन विस्तृत इतिहास भी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेजों के साथ आने की आवश्यकता है। स्थान स्थान पर
राम जी की जो इस आंदोलन के संदर्भ में लोगों ने जो सहभागिता की, पूरे देश में हर भाषा के, हर वर्ग समुदाय के, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जुड़ गए। जिस पीढ़ी ने इस आंदोलन को देखा है वो अभी हैं, उनके नायकों में कई लोग इस पुस्तक में जो जिनके उल्लेख है उनमें से कुछ ही लोग अभी जीवित हैं, कई लोग आज नहीं हैं। इसलिए अपनी अगली पीढ़ी को इस प्रकार के इतिहास को बताने की आवश्यकता, देश के संस्कृति और सभ्यता के, देश की परंपरा के रक्षक बनने वाले हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, राम फिर लौटे हैं, राम मंदिर में लौटे हैं, अयोध्या में लौटे हैं, त्रेता युग में अब मंदिर में लौट रहे हैं, राम अपने हृदय में भी लौटे हैं। पूज्य स्वामी जी ने उसका उल्लेख किया, मंदिर में राम लौटे हैं, वह एक प्रतीक है। अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर आयाम में रामत्व रामतत्व लौटे और भारत के लिए, मानवता के लिए प्रकाश देने वाले, कल्याण करने वाले, यह राममय जीवन इस देश के अंदर गढ़े और विश्व के लिए एक आदर्श पुनः एक बार आधुनिक काल में आधुनिकता के सभी बातों के साथ इस राममय जीवन मूल्यों को, राममय जीवन संस्कृति को, राममय जीवन संदेश को अपने जीवन में, अपने कार्य में जीने के प्रेरणा वही राम हम सबको दें। इतने ही मैं प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।